नमस्कार, मैं हूं कविता। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस बार ये काम इंडिया की वुमेन टीम ने किया है। मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तान की टीम भारत की कसी गेंदबाजी के आगे 7 विकेट पर सिर्फ 72 रन पर ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों का खौफ इस कदर था कि पाकिस्तान की सिर्फ 2 बल्लेबाज नाहिदा खान और सना मीर ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सकी। नाहिदा ने जहां 18 रन बनाए तो वहीं सना मीर ने सिर्फ 20 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच एकता बिष्ट ने 4 ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, अनुजा पाटिल और शिखा पांडे को एक एक विकेट मिले। इस छोटे से लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट गंवाकर 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। स्मृति मंदाना ने जहां 38 रन बनाए तो वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जिसके बाद भारत की नजर अब रविवार को एशिया कप पर 7वीं बार कब्जा करने पर होगी। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।